हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी, मूंग दाल के चीले। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ली थी और रात भर इसे मैंने पानी में सोख कर दिया था। सुबह इसे मैंने धोकर इसके छिलके निकाल दिए हैं। आप चाहें तो बिना छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं और उसे पानी में फुलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये देखिए, इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। 3 हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी अदरक और 6 से 7 कली लहसुन की डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। पानी इसमें नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, दाल हमने पीस करके निकाल ली है, तो ये काफ़ी गाढ़ा बैटर है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए, देखिए आप बैटर भी देख लीजिए, इस तरह का हमने दाल पीसा है, तो आप इसी तरह की दाल पीस लीजिए। अब इसे हम 5-10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। इसके बाद ये देखिए, अब हमारा जो बैटर है इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि बैटर अभी हमारा जो है बहुत ही गाढ़ा है। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने इसमें पानी मिला दिया है और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है चीले बनाने के लिए बिल्कुल अब ये रेडी है। तो चलिए अब हम चीले बनाते हैं। चीले बनाने के लिए मैंने लोहे का तवा इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, कोई नॉनस्टिक तवा मैंने नहीं लिया है। इस पर मैंने थोड़ा सा विनेगर लगा दिया था और विनेगर को पोंछ के तेल लगाकर तेल को भी हमने पोंछ दिया था। और अब गैस पर हम इस तरह से तवे को चढ़ाएंगे, हल्का सा इसे हम ग्रीस करेंगे और इसके बाद थोड़े से पानी के छिट्टे मार देंगे और एक सूती कपड़ा लेंगे और इसे पोंछ देंगे क्योंकि सरफेस पे हमें तेल नहीं चाहिए। और चीला तभी बनेगा जब ये अच्छे से तवे पे चिपक जाएगा। तो ये देखिए, हमने 1 चम्मच बैटर डाला है और इसे इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। हल्के हाथों से इसे स्प्रेड कर दीजिए, बहुत ही आसानी से लोहे के तवे में भी चीला आपका बन जाएगा। अभी आप देखिएगा, ये देखिए जब हल्का सा हमारा जो चीला है सूख जाएगा तो हम चारों तरफ से ऑयल डाल देंगे और इसे भी हल्का सा ग्रीस कर देंगे। कुछ देर बाद देखेंगे कि ये अपने आप, जो हमारा किनारा है चीले का, अपने आप ये छोड़ देगा। ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और ये देखिए बहुत ही आसानी से चीला हमारा निकल गया। इसे हम पलट देंगे, देखिए बहुत अच्छा हमारा चीला सेक के तैयार हुआ है। तो इसे दूसरी तरफ से भी हल्का सा प्रेस करते हुए सेक लेंगे और ये लीजिए, हमारा प्लेन वाला चीला बिल्कुल बन करके तैयार है। अब हम दूसरा चीला भी बना लेते हैं जिस पे हम स्टफिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, हमने उसी प्रोसेस से तवे को पोंछ लिया है। अब हमने इस पे फिर से 1 चम्मच बैटर डाला है और इसे हम फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से इसे फैला लीजिए, बहुत ही आसानी से फैल जाता है फ्रेंड्स। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमारा चीला फैल गया है। अब इसमें हम हल्का सा चारों तरफ से तेल डाल देंगे और देखिए ऊपर से चीला हमारा अच्छे से पक गया है। धनिया की पत्ती डाल देंगे, इसके बाद कटे हुए थोड़े से टमाटर डाल देंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देंगे और कुछ बारीक कटे हुए इस तरह से लंबी स्लाइसेस प्याज की डाल देंगे। आप चाहें तो कोई और भी सब्जी जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम टोमेटो केचप डाल देंगे और ये देखिए, नीचे से इस तरह से इसे हम पलट देंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए इसे हम देखिए अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। बच्चे ऐसे तो सब्जी खाते नहीं हैं लेकिन जब आप इस तरह से बना के देंगे तो बच्चे बहुत मन से खाएंगे। तो ये लीजिए, हमारा ये चीला भी तैयार है। तो चलिए इसे हम इस तरह से कट करके भी दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमारे जो अंदर की सब्जियां हैं पक चुकी हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बच्चे आप टिफ़िन में बना कर दीजिए, बहुत शौक से इसे खाएंगे। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा हेल्दी चीला। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।